नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है 1 और 2 दिसंबर को, कारण इसका स्पष्ट है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में 5 दिसंबर को होना है उपचुनाव भानु प्रतापपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के लिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे छत्तीसगढ़ के 6वें नंबर के जो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे मनोज सिंह मंडावी जी, उनका निधन हो चुका है जिसके कारण से वो सीट खाली हुई है और अब वहां के लिए उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने उसका पूरा का पूरा लिस्ट जारी कर दिया है कि किस डेट को क्या क्या होगा। बात करें, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है वो है 17 दिसंबर को, और कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कह दिया है कि 15 तारीख तक हम डिक्लेयर कर देंगे कि वहां से हम कांग्रेस की ओर से कौन टिकट, किसको टिकट दिया जा रहा है, कौन कांग्रेस की ओर से लड़ेगा। देखिए, मेन है 14 कैंडिडेट्स हैं, 14 कैंडिडेट्स के बारे में आप सभी को बता दे रहा हूं। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि उनमें से कांग्रेस किसको अगर टिकट देती है तो अच्छा है, फायदे में रहेगी कांग्रेस। ठीक है, सबसे पहला चीज जो मेजोरिटी है जिसको हम सभी देख सकते हैं, ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि वहां के जो मनोज सिंह मंडावी हैं उनकी जो धर्म पत्नी है सावित्री मंडावी जी, उनको टिकट दे दिया जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार ये भी जानती है कि 14 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम सद्भावना वोट को ही काउंट नहीं करेंगे, हमारे जो बाकी कार्यकर्ता है वहां के वो नाराज नहीं होने चाहिए, इस पर भी कांग्रेस सरकार विशेष रूप से ध्यान देगी। देखिए, जो दंतेवाड़ा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की देवती कर्मा ने बीजेपी की ओजस्वी मंडावी जी को हराया था। ओजस्वी मंडावी कौन थी? भीमा मंडावी जी की धर्मपत्नी थी, और भीमा मंडावी जी के देहांत के बाद ही वो पद खाली हुआ था, वो जो सीट थी वो रिक्त हुई थी, और उसके बाद फिर कांग्रेस वहां पर जीत गई थी। तो ऐसा नहीं है कि सद्भावना वोट ही सब कुछ होता है, सिंपथी से ही हर चीज को नहीं पाया जा सकता है। जो कार्यकर्ता है उनका भी एक्टिव होना और उनका भी सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन है, अब कांग्रेस के माइंड में ये चीज है कि हम सावित्री मंडावी जी को सिर्फ इसलिए ही नहीं दे सकते क्योंकि वो उनकी धर्म पत्नी है, और एक ही परिवार को अगर हम आगे बढ़ाते रहे तो वहां पर बहुत सारे गद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, वो कहीं कांग्रेस का दामन छोड़ ना दे या कांग्रेस से कहीं खफा ना हो जाए। कौन कौन से 14 लोग हैं उनको आप सभी को बता देता हूं। देखिए, ये पत्रिका का वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपको स्क्रीन के बगल में दिख रहा होगा। सबसे पहला जो कांग्रेस चाहती है वही है सावित्री मंडावी, और जो दूसरे नंबर पर है वहां के आसपास के लोगों का, अगर लोकल नेताओं की बात करें उनकी जो पसंद है वो है ठाकुर राम कश्यप जी। उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जैसे जीवन राम ठाकुर हैं, राजेंद्र सलाम हैं, विजय ठाकुर जी हैं, अमिता विके जी हैं, हेमंत कुमार ध्रुव जी हैं, थनी राम ध्रुव जी हैं, राजेश पोटाई हैं, तुषार ठाकुर हैं, ललित नरेटी हैं, सुनाराम जी हैं और बीरेश ठाकुर जी हैं। ये टोटल 14 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है। अब देखिए, यहां पर अगर बात करें हम सभी तो 4 नाम जो मेरे को लगता है जिस पर कांग्रेस सरकार या कांग्रेस की जो कमेटी है वो विचार करेगी। सबसे पहला चीज है वो है सावित्री मंडावी जी, दूसरे कैंडिडेट हैं वो है ठाकुर राम कश्यप जी, तीसरे हैं हेमंत कुमार ध्रुव जी, और चौथे हैं बीरेश ठाकुर जी। बीरेश ठाकुर जी का बहुत ही करीबी संबंध है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से। ये बीरेश ठाकुर जी जो हैं वो सांसद पद के लिए भी खड़े हुए थे और बहुत ही कम अंतर से हार गए थे। दूसरे हैं हेमंत कुमार ध्रुव जी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हमारे कांकेर के, और सावित्री मंडावी जी के बारे में आपसे को बता चुका हूँ। तो ठाकुर राम कश्यप हैं, इनको एक्चुअल में कहा जाए तो लोकल लोग बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव काम किया इन्होंने। और लोकल में अगर बात करें जैसे हम हेमंत ध्रुव जी की बात करें या वीरेश ठाकुर जी की बात करें, इनका एक फेम है, लेकिन अगर बात करें हम सभी ठाकुर राम कश्यप जी की तो इनका लोगों में पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। साथ ही साथ इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं ये आप सभी को मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप सभी को स्क्रीन के बगल में दिख रहा होगा कि जो ठाकुर राम कश्यप जी हैं वो इससे पहले भी जैसे इन्होंने पूर्व में क्या क्या पद ग्रहण किया था, तो 2000 से लेकर के 2010 तक ये सरपंच रहे हैं ग्राम पंचायत चारभाठा के, और 2000 से लेकर के 2010 तक ये सरपंच संघ के अध्यक्ष भी थे ब्लॉक चारामा में।
तो इनका सरपंच लोगों से बहुत ही अच्छा पकड़ है। साथ ही साथ 2010 से अगर 15 तक बात करें तो जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं ये उत्तर बस्तर कांकेर हमारे छत्तीसगढ़ का। 2015 से 2020 तक बात करें तो ये जनपद उपाध्यक्ष रहे थे ब्लॉक चारामा के, और वर्ष 2015 से लेकर के 2018 तक ये महामंत्री रहे जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस के। और वर्तमान में अगर बात करें तो ये 2013 से लेकर के 2022 तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं चारामा के, और 115 बूथ में कांग्रेस सदस्यता अभियान का कार्य इन्होंने भी 100% किया हुआ है। साथ ही साथ ये बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी से इनको पुरस्कार मिला हुआ है और मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं उनसे भी इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। और ग्राम पंचायत चार भाटा वर्तमान पटेल पद में भी ये पदस्थ हैं, और चारामा तहसील पटेल संघ के अध्यक्ष पद के में भी ये पदस्थ हैं। तो एक्चुअल में अगर मैंने मेरा जितना मैंने जहाँ तक देखा है लोगों को और जो मुझे समझ में आता है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि कोई अपने ऐसे कार्यकर्ता को उठाए जो लोगों में ज़्यादा पसंद किया जाने वाला हो और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हों, तो वो ठाकुर राम कश्यप जी होंगे। और अगर ग्राउंड लेवल पर चेक किया जाए तो ठाकुर राम कश्यप जी को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, ये कांग्रेस को पता है। तो मैक्सिमम चांस है कि ठाकुर राम कश्यप का नाम आए सामने, मगर देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इसमें चार कैंडिडेट्स मुझे जहां तक लगते हैं। पहला है सावित्री मंडावी जी, दूसरा ठाकुर राम कश्यप जी हैं, तीसरा हेमंत ध्रुव जी हैं और चौथा वीरेश ठाकुर जी हैं। देखते हैं इन चारों में से किसको कांग्रेस टिकट देती है। मैक्सिमम चांस है इन्हीं चारों में से किसी एक को दिया जाएगा, बाकी बाकी भी कैंडिडेट्स बहुत ही अच्छे हैं, मगर देखना है कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस वैस अगर 1 और 2 दिसंबर को सही डिसीजन ले, आरक्षण रोस्टर सही तरीके से लागू करे, तो ये वाला जो उपचुनाव है वो गारंटी कांग्रेस जीत जाएगी। कारण ये है कि भाजपा यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रही है, और दूसरा चीज़ है कि भाजपा ये भी जानती है कि एक साल में कुछ खास किया नहीं जा सकता है वहाँ के लिए। लेकिन अगर एक उपचुनाव भाजपा जीतती है तो उसके लिए ये है कि 2023 के लिए एक मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। तो देखते हैं पूरा का पूरा वहां की जनता कैसे इनको देखती है। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप सभी का जो राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।